जय हिंद। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं, पत्थर पानी बन जाते हैं। चलिए आज आप लोग थंबनेल देख लिए हैं, जिस तरह साइंस पूछा जा रहा है उसी तरह का 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस तरह सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो बहुत सारा इस तरह 25 25 क्वेश्चन जिस तरह पूछा जा रहा है उस तरह सीरीज चलाएंगे। और सिर्फ 25 क्वेश्चन सीखने को नहीं मिलेगा, हमको लगता है 200-300 क्वेश्चन सीखने को मिल जाएगा, उसका डीप नॉलेज में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लिया हम पिक्चर वाला। पिक्चर में पूछ देता है कि ये भाग तीर मार के देगा, बोलेगा क्या है बताओ, ये वाला भाग क्या है बताओ, वो वाला भाग क्या है बताओ। आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, मैराथन का क्लास वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सभी जो है ये सभी जाकर देखिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। और जो हम पिक्चर वाला करवाए थे एनसीईआरटी आधारित, उसमें आँख छूट गया था, तो चलिए तो आँखें से बना दिए पहला क्वेश्चन, अच्छा है कि नहीं। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग थोड़ा शेयर नहीं कर रहे हैं, और शाम में लाइव होगा उसमें जरूर जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जैसे तीर मार देगा और पूछेगा आप लोग से, पूछेगा कि बताओ, जैसे बोल देगा बताओ कि ये वाला भाग क्या है। ये जो सबसे आँख के आँख का अंदर वाला निकालेंगे, यहाँ बच्चा थोड़ा ज्यादा हल्ला करता है, बोलेगा बताओ कि आँख को हम निकाल लेंगे ना, बोलता है फिल्म में तुम्हारे आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। मानो आप लोग का ये आंख है, ये आंख निकाल लिए, क्या कि ये आंख निकाल लिए हैं, और आंख निकालेंगे तो ये बाहरी लेयर, बाहरी लेयर जो है, ये बाहरी लेयर जो है जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलेगा, डांट पूछ रहा है इसका क्या नाम है, तो बोलेंगे श्वेत पटल। क्या बोलेंगे? श्वेत पटल बोलेंगे। हाँ, एक टेलीग्राम चैनल हम लोग का है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जिक्के जीएस मस्ती बाय जगदेव, जिक्के जीएस मस्ती बाय जगदेव। उसमें 21,000 लोग जुड़ा हुआ है, इसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और आप लोग प्लीज 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 सपोर्ट जरूर करें, शेयर जरूर करें। और आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जाकर मैराथन वाला और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ रीडिंग का जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेशन करवाया हुआ है ग्रुप बी के डायरेक्ट खोपड़ी में छेद करने के लिए, वो जाकर जरूर देखें, ठीक है। चलिए, इसे बोलते हैं श्वेत पटल। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं स्क्लेरोलिटिक। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोलिटिक कहा जाता है। चलो ये तो देख लिए हैं, लेकिन ये श्वेत पटल जो होता है ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। परंतु 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 यही श्वेत पटल यहाँ आगे आया, आगे आया, आगे आया। अब बताओ, आगे हो जाएगा अपारदर्शी तो दिक्कत भी हो जाएगा, पगल बस सुजन करेगा रे, कौन सी है ना, ठीक है ना। तो इसलिए ये श्वेत पटल जो है आगे आके पारदर्शी हो जाता है। क्या कहता है पूछेगा, इससे क्या कहते हैं? जो आगे आके पारदर्शी हो जाता है, तीर ऐसे मार देगा, बोलेगा इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? प्यार से बोलो, जोर से बोलो, सबको बोलो कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया मेरा पारदर्शी होता है, मांस का बना, प्रोटीन का बना हुआ एक लेंस की तरह आगे काम करता है, ठीक है, लेयर की तरह काम करता है। चलो ये तो ठीक हो गया है। बोलेगा बताओ कि ये वाला तो मेरा श्वेत पटल हो गया, उसके बाद ये बताओ सेकेंड नंबर वाला क्या बोलते हैं? सेकेंड नंबर वाला को बोलते हैं हम क्या? सेकेंड नंबर वाला को बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोराइड कहा जाता है, कोराइड कहा जाता है। लेकिन यही कोराइड देखो आगे आया, आगे आया, आगे आया, यहाँ पर तीर जैसा निकल गया, तीर जैसा निकल गया। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं परितारिका या आयरिस। क्या बोलते हैं? परितारिका या आयरिस। आप लोग को बहुत सारा जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा पूछा जा रहा है, उस तरह हम चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक करवा दिए। आप लोग अपने लिस्ट में जाके देखिए, तो विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, वहाँ जाके देखिए। आप लोग मतलब सोचते हैं कि लोग स्टूडेंट क्या पढ़ाएगा, ठीक है ना, भरा भरा टीचर में रहते हैं, अच्छा बात है, पढ़िए, सबसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग एक बार हम पर विश्वास कीजिए और पहले से जो टॉपिक पढ़ाया उस पर जाके देखिए, ठीक है ना। चलिए, इसका अगर परितारिका या आयरिस, परितारिका या आयरिस हो गया। और लास्ट वाला लेयर, ये जो लास्ट वाला लेयर है, फर्स्ट हो गया श्वेत पटल या स्क्लेरोलिटिक, दूसरा हो गया क्या? दूसरा हो गया मेरा कोराइड, और तीसरा जो लास्ट वाला लेयर है, लास्ट वाला जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिना, रेटिना, रेटिना या दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल, जहाँ पर दृष्टि दिखाई देता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है ना, हम लोग का आँख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है, और इसी पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन तुमने उल्टा नहीं, हम तो उल्टा दिखाई दे रहे हैं, पैर ऊपर मुंडी नीचे दिखाई दे रहा है मेरा, नहीं, यानी उल्टा तो बनता है, लेकिन ये जो है, ये इतना जो नर्व यहाँ पर जो इतना नर्व्स गया है, नर्व्स बोले तो प्रकाश स्नायु। क्या बोले?
प्रकाश स्नायु बोले, प्रकाश स्नायु जो गया है या इसी को बोलेंगे दीर्घ तंत्रिका, क्या बोलेंगे दीर्घ तंत्रिका जो है ये गया है, ये नर्स जो गया है जाके दिमाग में घुस गया, और दिमाग में जाके घुस गया कहाँ जानता, मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन में जाके घुस गया, और मिड ब्रेन बोलता अरे पगलवा किया तुम, क्या किया तुम, उल्टा काहे बना रहा है, इसको सीधा कर सीधा कर सीधा कर, तो ये सीधा दिखाई देता है, तो सीधा करने का ये किससे जुड़ा होता है, तो ये मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मध्य मस्तिष्क यहाँ लिख देते हैं, इधर आप लोग को पिक्चर होगा, तो मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और यहाँ पर हमको सीधा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है सीधा, और मध्य से जुड़ा होता है। फिर आप लोग देखिएगा ना, देखिएगा ये तो मेरा परितारिका यानी आयरिस हो गया, जिस पर आँख का रंग निर्भर करता है, लेकिन 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 परितारिका या आयरिस के बीच, यहाँ पर बीच में एक छिद्र है, इस छिद्र को क्या बोलते हैं, तो इस छिद्र को कहा जाता है, इस छिद्र को कहा जाता है पुतली, पुतली 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 बाई नहीं, महात्मा गांधी के माँ का नाम पुतली बाई था वो नहीं, पुतली तुम आप लोग आँख देखिए, आँख में देखिए चारों तरफ सफेद सफा नजर आ रहा है, ये श्वेत पटल यानी स्क्लेरोटिक है, उसमें बीच में एक बड़का आकर का नजर आ रहा है, बड़ा ऐसा काला नजर आ रहा है, किसी का बड़ा ऐसा भूरा नजर आएगा, किसी का बड़ा ऐसा नीला नजर आएगा, इस बढ़िया राय का नीला है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं आयरिस या परितारिका बोलते हैं, बीचा में बीचा में बीचा में सब में सब में सब में सब में काला 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 एकदम गहरा काला दिखाई देगा, टनिक दिखाई देगा, बिट्टिक दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, उसे बोलते पुतली, क्या बोलते हैं, और पुतली से ही यानी पुतली यानी छेदा से ही प्रकाश जो है आंख में प्रवेश करती है, आंख में क्या करती है प्रवेश करती है, ठीक है ना, ये क्या है, तो ये आप लोग को पता है ये रेटिना है, रेटिना है जो किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है, और रेटिना को पकड़ के कौन रख ले, तो रेटिना को पकड़ के रखता है जिसको, उसको बोलते हैं पश्चमाभि पेशिया, क्या बोलते हैं पश्चमाभि पेशिया या सीरियली मांसपेशिया, क्या बोलते हैं सीरियली मांसपेशियां कहा जाता है, प्यार से बोलो, क्वेश्चन आप लोग को शुरू में ले लिया डिटेल में, इससे कितना क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन लेकिन हम लोग का आंख में जो आंसू निकलता है यानी कॉर्निया एवं लेंस के बीच यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, क्या भरा होता है एक द्रव भरा होता है, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे ए भी ए भी ए भी ए भी, प्यार से बोलो ए भी, यानी एक्वस ह्यूमर, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलते हैं एक्वस और एच एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर को बोलते हैं नेत्रोद, क्या बोलते हैं नेत्रोद बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं जलीय द्रव, क्या बोलते हैं जलीय द्रव कहते हैं, लेकिन 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 हम लोग का आंख जो गोलाकार है, तो गोलाकार बना के रखने वाला एक द्रव यहाँ भरा होता है, लेंस एवं रेटिना के बीच भी एक द्रव भरा होता है, लेंस एवं रेटिना के बीच भी एक द्रव भरा होता है, जो हमारे आँख को गोलाकार आकार प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ये मेरा ए एच हुआ, क्या हुआ ए एच, तो ए को पलट दो, ऐसे कर दो भी एच, भी एच यानी विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर डायट को लेता है, विट्रस ह्यूमर किससे संबंधित है, विट्रस ह्यूमर को डायट ले देगा काचाव द्रव, क्या ले देगा काचाव द्रव, किससे संबंधित है आँख से संबंधित है, हमारे आँख में जो प्रकाश जाएगा उसको नियंत्रित करता है पुतली, कौन करता है पुतली करता है, और आप लोग को पता ही है यहाँ जो ये वाला क्या रेटिना या दृष्टि पटल जो है इस पर क्या होता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर होता है शंकु एवं क्षर कोशिका, शंकु जो हमें दिखाई देने में मदद करता है, कैसा दिखाई देने में मदद करता है, तो शंकु जो हमें ये रंग पहचानने में मदद करवाता है, ठीक है, और क्षर जो हमें व्हाइट एंड ब्लैक और प्रकाश की तीव्रता को पहचानने में मदद करता है, कौन व्हाइट, और एक होता है इसी पर रेटिना यानी दृष्टि पटल पर एक बिंदु होता है पीत बिंदु पर यानी येल्लो स्पॉट पर बच्चा बहुत हल्ला करता है, येल्लो स्पॉट पर जो है एकदम HD दिखाई देगा, और रेटिना पर ही एक होता है क्या, रेटिना पर ही होता है एक अंध बिंदु होता है, अंध बिंदु पर जो है कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी ब्लाइंड स्पॉट, क्या बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे बड़े हल्ला करता है ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे, ठीक है ना, ये सब याद रखे, क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारे आँख में एक लेक्रामर ग्रंथि होता है उसी से आंसू बनाता है, वही से आंसू निकालता है, चलिए ये सब बहुत ज्यादा आप लोग को बता दिए हैं, इतना तो नहीं बताना चाहिए, 25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बच्चा को बोल के आते हैं, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का स्क्रीन पर भी दिखाई देता होगा, लगा देंगे दिखाई देता होगा, ठीक है ना, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब एडिट करेंगे तो आप लोग को यहाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, हाँ
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में से, निम्न अभिक्रियाओं में से उपचयन अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दे। तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, जाकर देख लीजिए, ऐसा जिंदगी में आप लोग ने पढ़े होंगे, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, विश्वास है। तो बता रहे हैं कि उपचयन अपचयन सब पढ़ा दिए, आप लोग को बोलते हैं प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, तो हम लोग पर भी एक बार विश्वास तो कीजिए, ठीक है ना। आप लोग सोचते होंगे कि क्या पढ़ाया होगा, जाके एक बार देखिए, ठीक है ना। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया, निम्नलिखित में उपचयन अपचयन अभिक्रिया ये पूछ रहा है कौन है। तो हम देखेंगे, अगर अगर हम ए नंबर बोले तो ए नंबर में देखते हैं, तो ए नंबर में मेरा क्या है, ए नंबर में जो है के ओ एच जो भस्म है, और दूसरा क्या H2SO4 है, H2SO4 है। तो जब अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है, लवण एवं जल बनाया गया यानी K2SO4, ये मेरा लवण हो गया और जल बनाया गया H2O, इसे बोलते हैं उदासनीकरण अभिक्रिया। तो ये तो नहीं होगा, बी नंबर देखते हैं, ये उदासनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल बनता है, जिसे उदासनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग जाकर देखिए, सारा सी पढ़ाई होगा, अम्ल भस्म ऐसा पढ़ा दिए ना कि जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे, प्यार हो जाएगा साइंस से, प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन वो है कि NaCl plus AgNO3, इसको गौर से देखिए, अगर इधर देखिएगा, इसको अभिकारक बोलते हैं, उत्पादक होता है, तो Na देखिए यहाँ पर चलाया और बना लिया है NaNO3 बना लिया है, Ag जो है यहाँ आ गया है, बना लिया है AgCl बना लिया है। यहाँ पर दोनों का अपना स्थान आदान प्रदान, आदान प्रदान हुआ है, इसे बोलते हैं विस्थापन। कौन विस्थापन? उभय विस्थापन। उभय विस्थापन मतलब दोनों का विस्थापन, दोनों विस्थापन मतलब द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो ये खत्म हो गया, अगला देखेंगे तो फिर NOH है, तो NaOH ये मेरा भस्म है और HCl ये मेरा अम्ल है, तो भस्म और अम्ल अभिक्रिया करता लवण और जल बनाएगा, तो यह उदासनीकरण हो गया। डी नंबर देखिए, डी नंबर आप लोग छाट भी सकते हैं, तो डी नंबर देखिए, आप लोग को हम पढ़ाए थे, जाकर बोला जरूर देखिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा, बड़ा पछताइएगा, बाद में नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। तो HgCl2 और 2 जो है, ठीक है, ये संतुलित कर ले है और कुछ नहीं किया हुआ, संतुलित किया हुआ है। अब देखिए, तो ये जो है मेरा हो जाएगा अपचयन या उपचयन अभिक्रिया, और अपचयन उपचयन जो है ये साथ साथ होता है। जैसे आपका शादी होगा तो बोलेगा मेरा अकेले शादी हो रहा है, अरे पगल, इस तरह संभव है? तो आए लिए को तैयार है तब ना उसके जा रहा है, तुम घोड़ा पर चढ़ के जा रहा शादी करने के लिए, तो अकेले तो शादी होता है ना। यानी एक लड़का की शादी है तो फिक्स है कि एक लड़की का भी शादी है उससे, उसी प्रकार अपचयन हो रहा है तो उपचयन होना भी फिक्स है, क्या है, फिक्स है। और इसी को बोलते हैं अपचयन और उपचयन, क्या बोलते हैं, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को एक साथ बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यार से बोलो, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। हम बोले थे क्वेश्चन के साथ आप लोग को इतना चीज सीखने को मिलेगा कि एकदम मस्त मगन डोले हो जाइएगा, ठीक है ना। और अपचयन को बोलते हैं अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण कहा जाता है। और उपचयन को बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहा जाता है। और दोनों मिल जाएगा तो बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग को देखिए, हम बताए थे आप लोग को बहुत सारा चीज पढ़ाए थे, वो जाके देखिए, अभी उतना टाइम ना है कि हम पूरा डिटेल में बता सके। बताए थे ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का टूटना, अवकरण, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुटना, अवकरण, बताए थे क्या, फिर बताए थे इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अवकरण, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, अवकरण। तो यहाँ बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम किससे बना रहे, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग को इतना तो ज्ञान होगा कि इसका जितना संयुक्ता होता है इधर चल जाता है और इसका जितना संयुक्ता होता है इधर आता है। यानी 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 जानी यहाँ पर है 2, क्या है यहाँ पर है 2, यानी 2 किसका है, तो इसका है, तो +2 लिखो। और यहाँ पर कुछ ना है तो 1 है, तो 1 किसका है, तो इसका है, तो यहाँ 1 लिखो। चलो अब यहाँ लो, यहाँ पर है 2, यानी 2 किसका है, तो इसका है, +2 लिखो। लेकिन ध्यान देना, यहाँ प्लस ना होगा माइनस होगा, क्योंकि आगे होता है प्लस पीछे होता है माइनस, दिमाग में घुसा लीजिए, ये +2 हो गया, यहाँ कुछ ना है तो 1 है, तो 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, किसमें होगा, माइनस में, पीछे माइनस में होता है। और फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ आप लोग को देखिए वहां पर, तो लिखा हुआ SnCl4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, SnCl4 लिखा हुआ, और लिखा होगा Sg2Cl2 लिखा होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 है तो इसका हो जाएगा +4 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो इसका -1 होगा, यहाँ पर 2 है, क्या है, 2 है, लेकिन ये भी तो 2 है। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर है 2, क्या है, तो यो हो तो 2 है, यो कितना है, 2 है, कितना है, ये भी मेरा कितना है, ये वाला 2 है, यानी 2 एक गो बट जाएगा तो यहाँ होगा +1, क्या होगा, +1। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, और ये भी क्या है, 2 है,
ये कितना है, ये कोहली भी कितना है, दो गो, तो इसके पास दो गो तो यहाँ जाएगा, लेकिन एक नहीं बटेगा, एक नहीं बटेगा, यानी माइनस वन क्या होगा, माइनस वन होगा। अभी हम बताए थे धन आवेश का बढ़ना, क्या बताए थे हम, बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे हम आप लोग को, बताए थे क्या, बताए थे क्या, सही जा रहा है ना, कौन क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पर तो हम बताए थे अभी क्या, अभी बताए थे क्या, बताए थे धन आवेश, क्या बताए थे, धन आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, धन आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ प्लस टू था और यहाँ प्लस फोर हो गया, यानी धन आवेश बढ़ा कि नहीं, आप ही लोग बताइए, बिल्कुल बढ़ा, बोलिए बिल्कुल बढ़ा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, यानी 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 इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ, जल्दी बताओ, ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा इधर का होता है, उधर का ना होता है, तुलना करते हैं, तो क्या एसएन का हुआ, नहरे पगलवा सबका हुआ, सबका हुआ, सबका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और जिसका होता ऑक्सीकरण, जिसका होता उपचयन, जिसका होता ऑक्सीकरण, जिसका होता उपचयन, उसी को बोलते हैं अवकारक पदार्थ, क्या बोलते हैं, प्यार से बोलो, अवकारक पदार्थ बोलते हैं, अवकारक पदार्थ बोलते हैं, और ऑक्सीकरण को ही बोलेंगे ऑक्सीकृत पदार्थ, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत पदार्थ, ऑक्सीकृत पदार्थ बोलते हैं, याद रखना, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकारक नहीं, अवकारक पदार्थ बोलते हैं। अब यहाँ देखो प्लस टू था और यहाँ पर देखो प्लस वन हो गया, यानी 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 यहाँ पर धन आवेश से कमी हुआ, धन आवेश से कमी हुआ, यानी 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 अर्थात 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 इसका क्या हुआ, इसका हुआ अवकरण, क्या हुआ, अवकरण हुआ, और अवकरण को ही बोलते हैं अपचयन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अवकृत पदार्थ, क्या बोलते हैं, अवकृत पदार्थ कहते हैं, और यानी ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया अपचयन, या इसी को बोलेंगे क्या, अवकरण, या इसी को बोलेंगे अवकृत पदार्थ, और जिसका होता है अवकरण उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है, यानी ये मेरा ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया है। और पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाइए और धूम मचा दीजिए, आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, फिर भी यहाँ आप लोग को बहुत समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोग इसी बात पर लाइक तो कर दो रे, तू नहीं करता है लाइक, सोचता है ये लोग क्या पढ़ाएगा, ठीक है ना, थोड़ा कर दीजिए लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, आप ही लोग भाई हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जाइए, और आप लोग को पसंद आएगा तो कॉमेंट करके भरमार कर दीजिएगा, आप लोग को कॉमेंट देखते हैं लेकिन सिर्फ जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि इधर बहुत दो तीन दिन से हम पूरा बिजी थे, घर में काम वगैरह था, इसलिए आप लोग का क्लास भी शाम में नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस तरह 25 क्वेश्चन का सीरीज लेते आएंगे, जिस तरह क्वेश्चन आ रहा है पैटर्न जो है, और आप लोग को जाके हम बोलते हैं 12 बोलेंगे पहले लिस्ट में जाइए, देखिए हमारा आत्मा वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें दो वीडियो में फिजिक्स, दो वीडियो में केमिस्ट्री, दो वीडियो में बायोलॉजी और दो वीडियो में आपका करंट खत्म, जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला बोल रहा है निम्न में से कौन से अभिक्रिया संभव नहीं है, क्वेश्चन यहाँ आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है ना, हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एडिट करके दिखाई देता होगा आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो देखिए पहला अभिक्रिया जो है वह है सी यू प्लस ए जी एन ओ थ्री है, यही है ना, और दूसरा अभिक्रिया जो है वह है सी ए ओ प्लस एस टू है, तीसरा जो है वह है सी यू ओ प्लस एस टू है, और चौथा जो है वह है एफ ई प्लस एस टू एस ओ फोर है कि नहीं, प्यार से बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा सी यू इसके स्थान पर जाकर बैठ गया, यहाँ पर होगा सी यू एन ओ थ्री होगा, देखिए, और ए जी पगलवा टुकुर टुकुर देखता होगा, तो बोलता होगा टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ठीक है ना, और यहाँ पर दो आ जाएगा क्योंकि कपक संहिता दो होता है। देखिए यहाँ सिंपल बात है, आप लोग पढ़े होंगे क्रियाशीलता, सही नहीं पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे पहले पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर पारा चांदी सोना प्लेटिनम, ये पढ़े होंगे। और पढ़ेंगे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो कौन है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु उपरा वाला है, तो उपरा में कौन है रे, उपरा में कौन है, तो उपरा में है सॉरी ऊपर में कौन है, तो ऊपर में आपका कौन है जल्दी बता दीजिए, तो ऊपर में आपका है लोक भी लग जाता है इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ऊपर में आपका क्या है, तो ऊपर में आपका क्या है, तो ऊपर में आपको नजर आता होगा पोटेशियम, यानी पोटेशियम बारिश हो रहा है छह मंडल में आपका बारिश होना, ठीक है ना, बिजली गड़गना चमकना आंधी आना तूफान आना सब छह मंडल में होता है, पता ही है तो बारिश हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो देखेंगे हम क्या कि यहाँ पर सबसे ऊपर है पोटेशियम, यानी पोटेशियम इतना क्रियाशील है कि ये किसी के पास आएगा तो सब भाग जाएगा डर से, बोलेगा ले तुम ही हो बॉस मेरा हो, बैठिए आप ही बैठिए आप ही बैठिए आप ही बैठिए बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन 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 यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपर यहाँ पर चांदी है, कोपरवा पगलवा उपराम है, चांदी जो है निचवा में, कॉपर आएगा
चांदी भागेगा कॉपर आएगा, चांदी भागेगा चलो भाग गया, यानी अभिक्रिया मेरा सही है। देखो कॉपर चल गया, चांदी जहाँ पर चल गया, चांदी भाग गया यानी सही है। यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से, अरे पगल बा कैल्शियम वो मेरा ज्यादा है और हाइड्रोजन इसको भगा पाएगा। देखिए कैल्शियम उपराम बैठा है और हाइड्रोजन बोलेगा आई एम बोस मैं तुमको भगाऊंगा, अरे भगाऊंगा, भगा पाएगा इसको, यानी कैल्शियम को भगा के हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दोस्ती कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, यानी अभिक्रिया संभव नहीं है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है सी ए प्लस एस टू ओ, यह बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है कॉपर को भगा देगा, यानी अभिक्रिया संभव है, यह अभिक्रिया संभव है, यानी हाइड्रोजन गया कॉपर को भगा दिया, कॉपर को भगा दिया, और यहाँ पर भी संभव है। यहाँ पर ध्यान दिए आप लोग, लोहा जाएगा एस टू को भगाएगा, लोहा जाएगा एस टू को भगाएगा, तो हो जाएगा एफ ई एस ओ फोर का होल थ्री और एस टू का एस टू हो जाएगा। यानी लोहा ज्यादा क्रियाशील था, हाइड्रोजन को दो थप्पड़ दिया और भगा दिया है, इसलिए ये हो गया ज्यादा क्रियाशील हो गया, तो ये संभव नहीं है। और इसे बोलते हैं एकल विस्थापन, क्या बोलते हैं एकल विस्थापन। यहाँ भी एक तरफ का विस्थापन हुआ, एकल विस्थापन कहा जाता है। प्यार से मारे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इतना कष्ट हम इसलिए बोल रहे कि बारिश भी हो रहा है, और बारिश में आप लोग को पता नहीं कि आवाज सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा, इसलिए थोड़ा वीडियो को रोक रहे हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, एकदम धुआं धुआं कर देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे मेरे ही नहीं, ठीक है ना। और आप लोग प्यार से शेयर कीजिएगा, प्यार से शेयर कीजिए, आप लोग का भाई एवं दोस्त का चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आप ही लोग के सपोर्ट के बदौलत ये चैनल चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। आप बोलेंगे यहाँ जयदेव लिख के क्यों रखते हैं, चेक करते हैं कि वीडियो पर थोड़ा मतलब इस लाइट आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर, ये रहा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है प्रबलतम अम्ल, प्रबलतम अम्ल कौन है। आप लोग प्यार से बोलते हैं, दुलार से बोलते हैं, आप लोग मेरा बड़े भाई हो, कोई छोटा भाई भी होगी, जाके पहले लिस्ट में देखिए, धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। प्रबलतम अम्ल कौन है, पिक्चर लग बता दिए, वो भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। प्रबलतम अम्ल है तो हम जानते हैं, देखो प्रबलतम अम्ल यहाँ बोल दिया है, तो आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एच एफ दिया हुआ है, एस सी एल दिया हुआ है, एच बी आर दिया हुआ है, एच आई दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे वर्ग नंबर 17, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, अरे पीरियोडिक टेबल ऐसा पढ़ाते हैं जिंदगी में पढ़ेंगे, चाहे 11 हो चाहे 12 हो, वैसा कभी नहीं पढ़ेंगे आप लोग, आपको जाए देख लीजिए पार्ट वन पार्ट टू, हम कहेगा अरे हम तो टीचर बन गए हैं, ठीक है ना, बोलिएगा। तो वर्ग नंबर 17 हम जानते हैं, वर्ग 18 है, आवर 7 है, तो वर्ग नंबर 17 को बोलते हैं हेलोजन तत्व, क्या बोलते हैं हेलोजन, हेलो कौन, कौन मैं बोलू, ठीक है ना। तो हेलोजन तत्व इसको बोलते हैं क्या, फलोलिन, करोलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फलनमा के बड़ी अतः आफत, वर्ग नंबर 17 में फलनमा से फलोलिन, के से करोलिन, बड़ी से ब्रोमिन, अतः से आयोडीन, आफत से अस्टेटिन, क्या होगा, अस्टेटिन होगा। अब देखिए जैसे से नीचे आएंगे तो क्या होता है, जैसे से नीचे आएंगे तो अम्ल का गुण बढ़ता है, 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 अम्ल का गुण बढ़ता है। लगा दो एच, लगा दो एच, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, लगा दो सब में एच में अम्ल उसे कहते हैं, लगा दो सब में एच अम्ल उसे कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को सही कर दो, पढ़ाई इसे कहते हैं, अरे सारी बन गया। चलो तो यहाँ देखते हैं, जैसे से नीचे आएंगे तो देखो चार गो ऑप्शन दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ, निचुआ में ये वाला है ना, यानी ये ज्यादा क्रियाशील होगा, ये तो ऑप्शन में ना है, ये ज्यादा क्रियाशील होगा, क्या ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, ज्यादा इसका अम्ल का गुण होगा, और उपराम जो रहता है उसका ऑक्सीकारक ज्यादा होता है, इसका क्या है, ये मेरा ऑक्सीकारक, ये वाला एफ खाली बोल रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑक्सीकारक ज्यादा है, क्या ऑक्सीकारक ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीकारक का दुश्मन अबकारक, ये मेरा है, इसका अबकारक गुण ज्यादा होता है, क्या होता है, अब कारक गुण ज्यादा होता है, बोलेगा ये वाला, ये तो कभी ऑप्शन में रहवे नहीं करता है, क्योंकि ये क्रिया, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, ठीक है। और ऊपर ये फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, सबसे अधिक आयनन विभव होता है फ्लोरीन का, लेकिन 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 ब्रेक मारिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन का होता है। तो कितना क्वेश्चन देख लिया, देख रहे हैं ना विनोद, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या, आप लोग का स्क्रीन पर, ठीक है, और हमको तो पता नहीं है, हमको निकालना पड़ेगा, चलिए निकालते हैं। प्यार से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, खुल जाओ सिम सिम, खुल जा खुल जा। हाँ चलिए इसको मिटा रहे हैं, और आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, ठीक है। चलिए देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पानी पड़ रहा है लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। बोल रहा है कि युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लगता है, युवा अवस्था समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना विनोद,
जब आप लोग जवान हो जाएगा, आपको समय आएगा कि लड़का हो तो हमको शादी के लिए लड़की चाहिए और लड़की हो तो हमको शादी के लिए लड़का चाहिए, ऐसे बोलते हैं प्यूबर्टी अवस्था। प्यूबर्टी यानी युवा अवस्था, यौवना आरंभ अवस्था बोलते हैं, जवानी अवस्था बोलते हैं। तो बोल रहा है कि शरीर में बदलाव होता है ना, बिल्कुल होता है। आवाज भारी होगा, चेहरा पर पिंपल निकलेगा, मूछ आ जाएगा, मूछा आएगा, दाढ़ी आएगा, ये सब क्या है, ये सभी जो है बदलाव है। क्या है? बदलाव है। यदि प्यूबर्टी आ गया, यौवना आरंभ हो गया है, और लड़की में लगभग 2 साल पहले प्यूबर्टी आ जाता है, लड़का में 2 साल थोड़ा बाद आता है, इसलिए लड़की का शादी करने का उम्र जो होता है वो लड़का से 2 वर्ष पहले रहता है। विनोद, समय आया 18 और 20, अभी तो 21 कर दिया लड़की का, लड़का को 23 ढकला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ बोल रहा है किसके कारण होता है, तो हम जानते हैं कि नर हार्मोन, हम लोग जानते हैं कि वृषण से, वृषण जिसको टेस्टिस बोलता है, टेस्टिस जिसको निकाल लेने पर पाठा जो है खस्सी बन जाता है, ठीक है ना, यानी हाइड्रोसिल जो होता है उसी में बनता है, इसे टेस्टिस बोलते हैं। और इसमें 2 हार्मोन बनता है, एक बनता है आप लोग का बनता है सबसे मेन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, इसे बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। तो टेस्टिस में बनेगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनता है। और एक बनता है एंड्रोजन, क्या बोलता है? एंड्रोजन बनता है। और जितना भी दाढ़ी मूछ पिंपल आवाज भारी ये सभी होता है किसके कारण? तो होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। बोलेगा ये दोनों कैसा हार्मोन है? ये दोनों जो है विनोद, ये दोनों नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। और लड़की में जो चेंज होता है, स्तन का बढ़ जाना, कमर का थोड़ा चौड़ा हो जाना, पिंपल निकलना, ठीक है, ये सभी जो बदलाव होता है लड़की के, लड़की में जो होता है वो होता है किसके कारण? तो अंडाणु से, अंडाणु से विनोद, किससे? अंडाणु से निकलता है। क्या? तो अंडाणु बोले तो ओवरी, अंडाणु बोले तो ओवरी से निकलता है। क्या निकलता है विनोद? एस्ट्रोजन। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन निकलता है। और क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। और लड़की जब बच्चा को दूध दे जाती, बच्चा को जन्म देने वाला होता है तो उस समय काफी दर्द करता है, उसको दर्द को कम करने के लिए एक हार्मोन निकलता है विनोद, पता है ना, लिलेक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? लिलेक्स देने के लिए लिलेक्सिन निकलता है। और जब माँ बच्चे को जन्म देता है तो उस समय दूध कुछ चाहिए, बच्चा को चाहिए दूध, तो दूध बनाने के लिए होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या होता है विनोद? दूध के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। और तो ये दोनों यार इसमें नर हार्मोन हो गया, ये दोनों जो है मादा हार्मोन हो गया है। तो यहाँ बोल रहा है क्या लड़का में क्या होगा? तो लड़का में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन विनोद, यानी डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ा दिए हैं आप लोग, जाइए हम देखिए अगला क्वेश्चन। बोल रहा है तलवार जैसी चोचे वाली, तलवार जैसी चोचे वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो हम जानते हैं कि हमिंग बर्ड जो है इसका चोचवा इतना लंबा होता है कि शरीरों से बड़ा होता है विनोद, समझ लो, सोच इतना बड़ा होगा कि शरीरों से बड़ा होगा, यानी इसके सोच जो है इसके शरीर से लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। और हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, और हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर उड़ती है, यानी आगे नहीं आएगी, इस तरह पीछे 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 की ओर उड़ती है। और दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी जो है वह शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग को ही ऑस्टिस बोलते हैं, उसका अंडा 2 केजी का होता है, और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, और तंत्रिका को ही बोलते हैं न्यूरोन बोलते हैं। ऐसे तो मानव में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरोन हो गया है, लेकिन पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा पूछेगा, लंबा नहीं बड़ा पूछेगा, तो बोलना है अंडाणु। लेकिन अंडाणु किसमें पाया जाता है विनोद? तो अंडाणु पाया जाता है मादा में। किसमें पाया जाता है? मादा में पाया जाता है, जो अंडाणु से अंडाशय से निकलता है। कहाँ निकलता है? अंडाशय से निकलता है अंडाणु, याद रखिएगा। और मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका जो होगा विनोद वो होगा क्या? तो वो होता है आपका जो निकलता है स्पर्म। क्या निकलता है? स्पर्म बोले तो शुक्राणु जो निकलता है ना वो सबसे छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? तो गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं पानी एकदम पूरा होमच के हो रहा है लेकिन हम भी जलने हैं, ठीक है ना। आवाज आप लोग को सुनाई देगा कि मैं पता नहीं है, लेकिन हम कस कस के बोल रहे हैं कि पानी लाओ, आवाज ना घुसे इसमें, एकदम पानी जो है दम भर पड़ रहा है विनोद। चलो अगला, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र को बोलते हैं, गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। आप गुणसूत्र को जूम करेंगे अंदर घुस कर जूम करेंगे तो आपको मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। और डीएनए का जहाँ जूम किए हैं, डीएनए को जहाँ जूम किए हैं
तो मिलेगा जीन, क्या मिलेगा? अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। और इकाई कौन है? जीन है। इकाई कौन है? जीन है। याद आया आप लोग को? तो यहाँ बोल रहा है क्या गुणसूत्र किससे संबंधित है? अनुवांशिक लक्षणों के संचलन से, यानी होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। देखो यहाँ पानी टपक रहा है विनोद, ठीक है ना, इसका सी नंबर हो जाएगा। याद रखेगा कितना होगा? सी नंबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसे होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था? तो किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने किया था, याद रखिएगा। और जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने दिया था। लेकिन 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 विनोद, जीन का, डीएनए का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? तो वो क्या था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसमें बहुत सारा जो है, इसमें बहुत सारा जो है, इस प्रकार जो है ना, इस प्रकार जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है पाया जाता है। क्या था इसमें पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ATGC। क्या बोलते हैं? ATGC। उसी प्रकार हो जाएगा ATGC। AT में डबल बोन होता है विनोद, और GC में जो है ट्रिपल बोन होता है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं। A से एडेनिन, T से थायमिन, G से गुआनिन, C से साइटोसिन। तो फिर बोलते हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। याद रखिएगा, इसके बीच ट्रिपल बोन होता है। लेकिन 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 RNA जो होता है इसमें सिर्फ इसी तरह होता है, इस तरह नहीं होता है। यानी RNA जो है सिंगल मॉडल का होता है। और यहाँ थायमिन को हटाएंगे, बोलेंगे तुम हट जाओ और यूरोसिल ला देंगे, तो बन जाएगा RNA। क्या बनेगा? RNA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा इसको मिटाते हैं, नहीं तो हो जाएगा घिचमिच और सब दही जो है गोबर हो जाएगा। चलिए, मजा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, अपना दोस्तों से बताइए, और आप लोग जितना करिएगा उतना हम लोग को उत्साह बढ़ता है। और कितना भी परेशानी में रहते हैं तो वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है विनोद? अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है? हाँ देखो, अगला आगे क्या, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर के फोकस की लंबाई वाला एक उत्तल लेंस, बोल रहा है कि एक वस्तु है ना, उसे 10 सेंटीमीटर फोकस की लंबाई वाले उत्तल लेंस। पहले कौन लेंस है? तो लिखो उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होगा। आप तो धनात्मक सुनकर मान लेते हैं उत्तल एक, मान लेते हैं अवतल, जो गलत है विनोद। याद रखिएगा, सिर्फ यही गुण मिलता है, उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसे धनात्मक लिखेंगे यानी प्लस लिखेंगे। अब बोल रहा है क्या, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी को बोलते हैं यू बोलते हैं, और यह 30 सेंटीमीटर पर है, चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, या चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस। अब बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो हम जानते हैं कि लेंस सूत्र, क्या जानते हैं? लेंस सूत्र प्यार से जानते हैं। लेंस होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप बोलिएगा कि बहुत कंफ्यूजन होता है विनोद, कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइनस होगा या प्लस होगा, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए कंफ्यूजन दूर करो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तर लेंस, लेंस उत्तर को गोली मारो, लेंस लेंस, तो लेंस है, लेंस मतलब जाते हैं, तो लेस लेंस मतलब लेस कीजिए, लेस कीजिए, लेस कीजिए। आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, क्या बोलते हैं? थोड़ा लेस कीजिए दुकानदार साहब। लेस मतलब माइनस कीजिए, लेस मतलब माइनस कीजिए, इसलिए यहाँ पर दरिए माइनस। तो दर्पण में सूत्र क्या होगा? दर्पण सूत्र जाएगा प्लस। क्या होगा? दर्पण सूत्र में होगा प्लस होगा। चलिए बढ़ाते हैं, एफ का मान कितना है? प्लस दस। वी का नहीं पता है, माइनस के माइनस, वन का वन। यू का मान कितना है? -30। कितना है? -30। माइनस माइनस क्या हुआ विनोद? प्लस हो गया। और देखिए 1/30 को आप इधर लेकर आओ, तो 1/10 प्लस को इधर लेकर आएंगे -1/30 बराबर 1/v। और 30 10 के लघुत्तम कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? लगता है यहाँ पानी पड़ गया है। 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। 10 * 30 और 30 * 31 1/v। 3 में से 1 गया 2/30 और 1/v पलटी मार दो, तो भी और इसको पलटी मारो 30/2 काट दो, कितना आएगा? भी बराबर आएगा 15। कितना आएगा? 15 प्लस में आया, यानी 15 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? 15 सेंटीमीटर होगा। याद रखिएगा, और एक होता है एफ बराबर, क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है ना विनोद,
वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकल दूरी के दुगनी होती है। एक दर्पण ने पूछेगा दर्पण का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन को बोलते हैं एम। दर्पण का आवर्धन बराबर होता है एम बराबर वी बटा यू, लेकिन दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होते हैं, यहाँ माइनस दे दो, क्या दे दो माइनस दे दो। और यहाँ लेंस, लेंस सूत्र मेरा ये है, तो लेंस के आवर्धन बराबर क्या होगा, तो लेंस के आवर्धन बराबर हो जाएगा वी बटा यू। और यहाँ पर लेंस से माइनस होते यहाँ प्लस दे दो, क्या दे दो प्लस दे दो बस। और एम अगर प्लस में है तो बताता है कि प्रतिबिंब जो है ना विनोद वो सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और सीधा बोले तो आभासी बन रहा है। और माइनस रहेगा एम का मान अगर प्लस माइनस में रहेगा तो यानी उल्टा बन रहा है, उल्टा बोले तो वास्तविक बन रहा है। दर्पण आप लोग को इस तरह पढ़ा दिए ना 27 मिनट में, तो उस तरह जो है आप लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लीजिएगा तब भी आप लोग ने समय पाएगा, जाकर देखिए एक बार विनोद, ठीक है ना, विश्वास कीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे लग रहा है विनोद विनोद करके थोड़ा मजा लगता है पढ़ाने में, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में यही है, आप लोग कमेंट में भी लिखते हैं, तो चलिए बिल्कुल और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग को देखिए आप लोग का स्क्रीन पर ये रहा। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 2.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या है, देखिए बोल रहा है क्या, एक उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के फोकल दूरी, फोकल दूरी देखिए उत्तल लेंस है तो फोकल दूरी होगा प्लस में, किसमें होगा प्लस में होगा, बस यही देखना है। उत्तल लेंस है ना फोकल दूरी प्लस वन होगा, और अवतल लेंस है ना फोकल दूरी माइनस वन में होगा, किसमें होगा माइनस वन में होगा, यहाँ प्लस में हो गया। बोला क्षमता, क्षमता बराबर होता है पी बराबर 1/f होता है, लेकिन ये मीटर में है, किसमें है तो मीटर के लिए, तो मीटर में है तो ये सूत्र लगा देना है। अगर रहता सेंटीमीटर में, ये क्या रहता सेंटीमीटर में रहता तो लगाते हैं हम 100/f, क्या लगाते हैं 100/f लगाते हैं, समझ आया ना। चलिए यहाँ 1 और 2.5 का 2.5 क्योंकि ये मीटर में है, किसमें है मीटर में है। अब दशमलव हटाओ उसके बदली 1 0 काट दो, 5 2 10 25 25 2/5 यहाँ काटो तो 0.4। और क्षमता के साइन मात्रक डायोप्टर, क्या होता है क्षमता का साइन मात्रक डायोप्टर होता है, बस आंसर कितना 0.4 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं विनोद, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो हम जानते हैं इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, क्या होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ज्यादा हमको सफा सफा दिखता है, HD दिखेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष जो है कम सफा दिखता है। प्राथमिक इंद्रधनुष देखने के लिए हमारे आंख पर 42 डिग्री कोण बनेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष को इंद्रधनुष को देखने के लिए हमारा पीठ जो है सूर्य की दिशा, सूर्य अगर इधर उग गया है, सूर्य अगर इधर उगा है तो पीठ हम ऐसे कर लेंगे तो सामने दिखेगा इंद्रधनुष, क्या दिखेगा इंद्रधनुष दिखेगा, ठीक है ना। और इंद्रधनुष बनने का बहुत सारा कारण है, सबसे मेन कारण जो है वह वर्ण विक्षेपण, क्या है वर्ण विक्षेपण है, लेकिन इसमें भूमिका निभाता है परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन भी भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है क्या तीन धनुष तो हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल तारों का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। मानव आंख द्वारा छवि के निर्माण, बिल्कुल मानव आंख में जो क्या होता है उत्तल लेंस लगा, उत्तल लेंस से क्या होगा अपवर्तन होगा, और प्रतिबिंब बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है तो ये भी होगा। लेकिन अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, अस्त जखन सूर्य होता है या सूर्योदय होता है उखनी होता है परिकीर्णन, क्या होता है परिकीर्णन, और बाकी बात 6 रंग उधर परिकीर्णन होकर आकाश में बिखर जाता है, लास्ट में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमें लाल दिखाई देता है, यानी डी नंबर जो है यह अपवर्तन नहीं बल्कि परिकीर्णन हो जाएगा, यानी डी नंबर सही होगा। अब देखिए इंद्रधनुष में देखिएगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है ना, आप लोग इंद्रधनुष देखिए रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है उसमें जो है रेड हमेशा होगा बाहर की ओर, और जो बैगनी होता है बैगनी हमेशा होता है किधर विनोद, तो अंदर की ओर, किधर होता है अंदर की ओर होता है, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर, इसको भी पकड़ो इसको भी पकड़ो इसको भी मैनेज करो, दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट आएगा तो जल्दी क्या बोलते हैं उसको डिजिटल बोर्ड आएगा तो मजा लगेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा बहुत टाइम, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो वो टाइम जो है जल्दी भी हो सकता है लेकिन 1-2 साल भी लग सकता है। चलिए तो हम जानते हैं प्राथमिक धनुष में बाहर होता है क्या लाल होता है, अंदर होता है क्या अंदर होता है बैगनी, लेकिन लेकिन द्वितीयक धनुष में क्या होता है द्वितीयक धनुष में बाहर ही होता है बैगनी, बाहर ही होता है बैगनी और अंदर होता है लाल होता है, क्या होता है लाल होता है। और प्राथमिक धनुष जो है इसमें 2 बार अपवर्तन होता है, हाँ 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी इंद्रधनुष जो है इसमें 2 बार अपवर्तन, अपवर्तन भी 2 बार और परावर्तन भी 2 बार होता है। चलिए आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन,
आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, और अंतरिक्ष यात्री को या चंद्रमा यात्री को आकाश काला दिखाई देना क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं पाया था जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। पृथ्वी का नीला दिखाई देना प्रकाश की उपस्थिति जल के अधिकता कारण, जल के उपस्थिति के कारण प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, वक्रता त्रिज्या फोकल के लंबाई के बराबर होती है। नहीं रे विनोद, अभी बताए थे कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वक्रता त्रिज्या ये फोकल दूरी के दुगनी होती है। यहाँ आधी बराबर बोल जाए, गलत बोल दिया, बी नंबर पढ़ो। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगनी होती है, आधी नहीं होती है, गलत। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के तीन गुना होता है, नहीं रे दो गुना होता है, कितना होता है, दो गुना होता है, जी नंबर पढ़ो। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होता है, बिल्कुल राइट। वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या यानी आर फोकल लंबाई के दोगुना होता है, बिल्कुल राइट है। या बोलेंगे फोकल लंबाई जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। हम जानते हैं कि घर्षण बल एक नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है क्या, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, या बिल्कुल सही नहीं है बोलना, तो यहाँ विरोध करवे करता है। जानते हैं घर्षण बल क्या होता है, बल के विपरीत दिशा में लगता है, विरोध करता है ना, बिल्कुल करता है, ए नंबर सही है। बी नंबर, वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने यानी फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, बिल्कुल स्लाइडिंग मतलब फिसलना होता है, यह भी सही है। अगला, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, तो बिल्कुल है, घर्षण कारण क्या होता है, ऊर्जा का अपव्यय होता है, टूट फूट भी हो जाता है, बिल्कुल है। लोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण के तुलना में अधिक होता है, देखो लोलिंग घर्षण जो बोल रहा है, लोडिंग मतलब लुढ़कना, आप लोग जाते हैं ना, क्या बोलता है उसको, एलपीजी यानी गैसवा जो उठाते हैं, एलपीजी गैसवा जो उठाते हैं उसको उठाते हैं आप लोग ना, जियो बाहुबली नहीं करते हैं बल्कि लतिया मार के उसको क्या करते हैं, उसको लुढ़काते हैं यानी लोलिंग करवाते हैं, तो लोलिंग में कम ताकत लगता है ना, यानी लोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण से क्या कम नहीं होना चाहिए। यहाँ बोल दिया पगलवा अधिक है, यानी डी नंबर क्या है, गलत है। हम जानते हैं घर्षण का अगर बोले तो घर्षण बल जो होता है ना, सबसे अधिक जो घर्षण बल होता है वो होता है सीमांत घर्षण बल, उसके बाद होता है अस्थैतिक, क्या होता है, अस्थैतिक घर्षण बल होता है, उसके बाद होता है क्या, उसके बाद होता है सर्पी, सर्पी मतलब तुम्हारे टंगड़िया पैर के घिसले ले जाएंगे तो होगा सर्पी हो जाएगा, उसके बाद होता है लोटनिक, क्या होता है, लोटनिक यानी एलपीजी गैस वाला होता है, गैस जो होता है उसको से लुढ़का देते हैं तो लुढ़कते चल जाता है अपने, तो सबसे ज्यादा क्या हुआ सीमांत, सबसे कम क्या हुआ लोटनिक, सीमांत रहेगा तो सबसे ज्यादा क्या मारेंगे अस्थैतिक, और घर्षण गुणांक का बीमा नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, घर्षण गुणांक हो गया अपेक्षिक एवं सापेक्षिक घनत्व हो गया है, उसी प्रकार आपका हो गया आवर्धन हो गया है, उसी प्रकार आपका हो गया है विकृति यानी स्ट्रेन हो गया है, ये सभी का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब दो बल किसी निकाय पर, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि जब दो बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। बोल रहा है दो को विपरीत बल है विनोद, और निकाय पर विपरीत कार्य कर रहा है तो निकाय पर क्या बोल, समान बल लग रहा है विनोद, क्या लग रहा है, यानी तुम्हारा टेंगरिया पर खींचेगा ये साइड तो खींचेगा ये साइड, और दोनों समान ही दिशा से घिसेगा तो तुम बीच में चिल्लाते रहोगे लेकिन न तो इधर जाओगे न तो इधर जा पाओगे क्योंकि समान बल लग रहा है, तुम हो ये क्या है, ये विनोदवा है, क्या है, विनोदवा है, ठीक है, इसका हाथा एगो इधर, इधर हाथा इधर है, ठीक है ना, इसका एगो हाथा इधर घिंच रहा है, एगो हाथा इसका पकड़ के इधर घिंच रहा है, और दोनों समान बल से घिंच रहा है तो बेचार पगलवा बीच में चिल्लाते रहेगा छोड़ दो और कहीं नहीं जा पाएगा, यानी शून्य बल लगेगा, क्या लगेगा विनोद, शून्य बल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, मिलान कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा वाट, देखिए यहाँ पर ए नंबर जो है ना बोले अगर तो एक नंबर में जो ऑप्शन में दिया हुआ है नैनोमीटर दे दिया, गलती दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं किलोवाट घंटा, तो हम जानते हैं किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, यानी 2 का बी में मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलान का सही मिलान करिए, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, 2 का बी होगा, क्या होगा, बी होगा, और किलोवाट घंटा जो ये ऊर्जा का सही मात्रक है और इसी को बोलते हैं एक यूनिट, क्या बोलते हैं एक यूनिट, यानी 3. अरे पगलवा मखिया, अरे मखिया जो है ना बैठ जाता है, हाँ तो क्या बोल रहे थे किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 ही हो गया है। अगला बोल रहा है 1 HP, तो 1 HP बराबर हो जाएगा कितना, तो जाएगा 746 वाट, यानी 4 के D सही है, और HP जो होता है बराबर, आप लोग खरीदते हैं ना मोटर वोटर खरीदते हैं कितना HP के मोटर हुआ है, यानी बराबर जो मशीन होता है उसमें HP का यूज करते हैं, और एक लिखा हुआ किलो वाट, तो वाट मतलब शक्ति का सही मात्रक, किलो मतलब 1000, यानी 1000 वाट यानी
दो का सी सही है लेकिन एक का जो है ए होगा लेकिन गलत दिया हुआ है। हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू बाय टी, यानी कार्य करने के दर को शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ गलत लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए वाट का लिखना चाहिए क्या, कार्य का लिखना चाहिए जूल, क्या लिखना चाहिए जूल लिखना चाहिए, और टाइम का लिखना चाहिए क्या सेकेंड लिखना चाहिए, यहाँ लिख दिया न्यूटन मीटर, जो गलती है विनोद, ठीक है ना, जैसे गलती हो गया, यानी ये गलती दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसमें मिलान कर दिए हम, क्या कर दिए हैं, एक का ए हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा, और तीन का बी हो जाएगा, और डी का चार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, संतुलित करने बता दिए, जाके देख लीजिएगा, अगर इस तरह चार ऑप्शन में रहेगा तो संतुलित भी नहीं करना है, अरे मखिया भाग ने, संतुलित भी नहीं करना है, ठीक है ना, संतुलित भी नहीं करना है, कहीं चार ऑप्शन में देखना है। देखो इसमें चार ऑप्शन में देखें तो बोल रहा है कौन सा समीकरण संतुलित है, पहला देखें, पहला मेरा क्या लिखा हुआ है, तो पहला लिखा हुआ है, पहला जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है H2+O2=H2O। अरे ये हाइड्रोजन दुगो है, लेकिन ये हाइड्रोजन दुगो है, ये दोनों संतुलित है, अच्छा बात है, मोच कर रहा है दोनों, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दुगो है, यहाँ ऑक्सीजन दुगो है, बगल वाला नहीं, ऑक्सीजन क्या हुआ लूस गया, ऑक्सीजन लूस गया, यानी ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करना चाहे ना क्या करेंगे पता है, यहाँ बोले ऑक्सीजन तुमको दो चाहिए ना, तो बोलेगा यहाँ दे ना, पागल है पागल है पागल है पागल है, यहाँ दो नहीं कहीं पड़ता है, ठीक है, तो दो यहाँ दे दो, तो ऑक्सीजन हो गया कितना दो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया चार, कितना हो गया, तो हाइड्रोजन के अगर चार कर दो बस संतुलित हो गया है, ठीक है ना। और अब पूछेगा बताओ कि हाइड्रोजन का कितना, जब जल बनता है तो हाइड्रोजन का कितना अणु भाग लेता है, हाइड्रोजन के दो अणु भाग लेता है, दो मोल भाग लेता है, दो आयतन भाग लेता है, तो अणु बोले या मोल बोले आयतन बोले सेमे है, बोलेगा बताओ जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो जल के कितना, जल के कितना अणु बनता है, तो दो अणु बनता है, दो मोल बनता है, दो आयतन बनता है, ऑक्सीजन कितना भाग लेता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक अणु यानी एक मोल यानी एक आयतन, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ संतुलित कैसे करना है, जाके देखिए तो आप एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य एवं या असत्य, सत्य या असत्य है, बताना है कौन सा सत्य या असत्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, यानी इधर गया और फिर इधर लौट आया, अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर इधर लौट आएगा, इससे गाड़ी जाती है ट्रेन जाती है, आप लोग को पहुंचाने जाएगी कहाँ, तो जाएगी आप लोग जहाँ परीक्षा देने जाइएगा, तो फिर उधर से लौटती भी है ट्रेन, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती यानी उत्क्रमणीय बोलते हैं, सही है एक नंबर। दूसरा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें ऊष्मीय हो रहा है, बिल्कुल सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं यानी ऊष्मा दे रहे हैं, तब ना टूट रहा है, तो ऊष्मीय है बिल्कुल। अब बोल रहा है केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, औसत है, दोनों औसत तो है ना, केवल ए सत्य है या डी नंबर ए और बी दोनों सत्य है, तो बिल्कुल डी ए एवं बी दोनों सत्य है, और ऊष्मा अगर इधर लिखा रहेगा ना तो बोलेंगे ऊष्मा छपी, यानी ऊष्मा यानी उत्पादक की ओर लिखा रहेगा कैलोरी में या जूल में, या उसमें डायरेक्ट लिख देगा तो बोलेंगे उसमें छेपी, अगर इधर लिखा रहेगा अभिकारक की ओर लिखा रहेगा, उत्पाद की ओर लिखा रहेगा तो उसमें छेपी, और अभिकारक की ओर लिखा रहेगा तो बोलेंगे उसे उष्मा शोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फार्मूला द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, बोल रहा है एल्केन का सूत्र लिख दिया यहाँ पर CnH2n+2, एल्किल का लिख दिया CnH2n+1 नहीं होता है बल्कि CnH2n होता है, और एल्काइन का लिख दिया CnH2n-2 लिख दिया है। अब बोल रहा है क्या, अब क्या बोल रहा है, गलत सूत्र सुने तो गलत हो गया एल्किन, क्या हो गया गलत मेरा हो गया है एल्किन, क्योंकि एल्किन में होगा CnH2n होगा, हम जानते हैं एल्केन यानी सिंगल बोन CnH2n+2 क्या होता है, प्यार से बोलो प्लस टू होता है, एल्किन यानी डबल बोन CnH2n होता है, एल्काइन यानी ट्रिपल बोन CnH2n-2 होता है, एल्काइल एल्काइल या एल्किल ग्रुप इसका होता है क्या, इसका होता है CnH2n+1 इसका होता है, अगर इसी में इसी में इसी में CnH2n+1 में एल्काइल में अगर OH लगा देंगे तो अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा, इसी में CnH2n+1 में अगर हम लगा देंगे CHO लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसी में CnH2n+1 में अगर COOH लगा देंगे तो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। आप लोग को मात्र 40 मिनट में इसको ऐसा पढ़ा दिया कार्बन तथा उसके यौगिक ऐसा पढ़ा दिया ऐसा पढ़ा दिया ऐसा पढ़ा दिया कि आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, ये मेरा विश्वास है घमंड नहीं है, ठीक है ना, एक बार आप लोग जाकर देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और केमिस्ट्री में जाइए कार्बन तथा उसके यौगिक देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़े को ज्ञात करें, तो तांबा के कॉपर बिल्कुल सही है,
सोना के एयू, बिल्कुल सही है। पारा का एमजी नहीं होता है विनोद, एचजी होता है। क्या होता है? एचजी होता है, यानी गलत दिया हुआ है सी नंबर। डी प्लेटिनम का पीटी सही है, चांदी का एजी सही है, यानी सिर्फ गलत है सी नंबर। क्या है? तो सिर्फ सी यानी डी नंबर गलती होगा। क्या होगा? डी नंबर सिर्फ गलती हो जाएगा। और सोना का जो होता है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है। और सोना को बोलते हैं ओरम, रटिन नाम होता है इसका, 79 परमाणु संख्या है। कॉपर का क्यूपरम इसका 29 हो जाएगा। और हाइड्रागिरम यानी पारा, पारा का कितना होता है? पारा का 80 होता है। और प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम को बोलते हैं सबसे कठोर धातु बोलते हैं। और चांदी 47 होता है। अर्जेंटिनम सबसे अधिक विद्युत का सुचालक चांदी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षार का रंग कैसा होता है? यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्षार के रंग देखिए, हम जानते हैं ना सूचक जो है, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं सूचक जो होता है ना, ऐसे सूचक जो होता है वो होता है कितना? तो ये होता है, कहाँ भाग गया वो, बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ तो बोल रहा है क्या, क्षार का रंग कैसा होता है? हम जानते हैं सूचक जो होता है ना, सूचक होता है तीन तरफ होता है, सीधा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में बता रहा है। एक होता है क्या? एक होता है प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? यानी जो प्राकृतिक से डायरेक्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। एक होता है संश्लेषित या इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे क्या, इसी को संश्लेषित को बोलेंगे रासायनिक, या इसे प्रयोगशाला में बनाएंगे कृत्रिम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कृत्रिम। एक होता है गंधीय। क्या होता है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक उसके लिए जरूरी होता है जो मतलब अंधा भी रहेगा सुन के बता देगा, ठीक है ना, कोई भी बता सकता है, ठीक है ना। तो गंधीय सूचक को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, अंधा हो या कोई भी हो सुन के बता देगा तो ऑल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक में क्या आएगा? तो हल्दी आ जाएगा। प्राकृतिक में क्या आएगा? तो लाल गोभी का पत्ता आएगा, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता आ जाएगा। इसी में चुकंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चुकंदर आ जाएगा। तो ये सब मेरा क्या है? इसी में लिटमस आएगा। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, ये सही मेरा प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषित में क्या आएगा? तो फिनोल फतेलिन आ जाएगा। फिनोल फतेलिन जो होता है ये रासायनिक पदार्थ है, यानी आएगा ये मेरा संश्लेषित में आ जाएगा। उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज किसमें आएगा? मिथाइल ऑरेंज आएगा। मिथाइल ऑरेंज ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रयोगशाला में बनाया गया है, ठीक है ना, रासायनिक पदार्थ है। और गंधीय में आएगा प्याज आएगा, क्योंकि गंध देता है, इसमें अम्ल एवं भस्म डालेंगे तो गंधे बदल जाता है। तो गंध सुन के बता देगा अरे ये गंध दे रहा है, यानी अम्ल डाला गया, ये गंध दे रहा है यानी भस्म डाला गया। आप लोग अरे लगता है बगल में चिकनमा बन रहा है, अरे लगता है बगल में मटन बन रहा है, कैसे सुन के बता देते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार प्याज हो गया, वेनिला इत्र हो गया, क्या हो गया? वेनिला इत्र हो गया। और लवंग का तेल, लवंग या लौंग का तेल, लवंग या लौंग का तेल, ये तीनों जो है गंधीय सूचक है। अब देखिए अगर यहाँ लिटमस लेंगे, क्या लेंगे? लिटमस लेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या? यहाँ लिख देंगे अम्ल। क्या लिख देंगे? अम्ल लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे क्षार। क्या लिख देंगे? क्षार लिख देंगे। तो लिटमस जो है वो नीला, यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, तो यहाँ हो जाएगा लाल। क्या होगा? लाल। और यहाँ पर हम जानते हैं कि क्षार जो है ना ये नीला लिटमस पत्र को लाल लिटरपट को नीला करता है, तो लाल को नीला करता है, छार कर देगा नीला। उस प्रकार लेंगे क्या? फिनोल फतेलिन। क्या लेंगे? फिनोल फतेलिन लेंगे। तो फिनोल फतेलिन जो है ना अम्ल डालने पर रंगहीन, अम्ल डालने पर ये रंगहीन होता है, यानी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। छार डालने पर क्या होगा? गुलाबी हो जाएगा। उसी प्रकार लेंगे मिथाइल ऑरेंज। क्या लेंगे? मिथाइल ऑरेंज लेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज जहाँ लिया ना, तो मिथाइल ऑरेंज लेने पर यहाँ पर लाले रहेगा, यानी अम्ल डालने पर लाल हो जाएगा, लेकिन 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 यहाँ पर जैसे छाल डालेंगे तो पीला होगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। जैसे मान लो हरा गोभी का पत्ता लिए, हरा गोभी का पत्ता ले लिए, तो हरा गोभी का पत्ता लेंगे ना, तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर रंग डालेंगे, तो हरा गोभी का पत्ता में जैसे अम्ल डालेंगे ना, तो अम्ल डालने पर क्या होता है? हरा गोभी का पत्ता ये जो है ना, अम्ल डालने पर हरा गोभी का पत्ता जो है ये शायद हरे रह जाता है, और यहाँ पर जो है बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगनी। और यह हल्दी रहेगा ना, हल्दी रहेगा, तो हल्दी जो है यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रंग में परिवर्तन नहीं होता है, रंग में परिवर्तन नहीं होता है, रंग में परिवर्तन हल्दी का नहीं होता है, लेकिन यहाँ भूरा हो जाएगा, ठीक है। सब याद रखिएगा, ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है, ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है, और थोड़ा इसमें हमको कन्फ्यूजन भी था, देख लेना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजक यौगिक का है? देखिए संयोजक यौगिक का नहीं है बोल रहा है, तो देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं, क्या बता देना चाहते हैं, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनिए आप लोग, हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात विनोद। चलो इसको मिटा रहा है,
और सूचक का खोज किया था जो होता है पीएस स्केल का खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक 1909 में। चलिए देखिए शासनियों की योगी पहचानने का भी पूछ जाता है। यौगिक देखिए यौगिक को ऐसे हम बांटते हैं दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं सह संयोजक यौगिक, सह संयोजक यौगिक, सह संयोजक यौगिक। एक को बोलते हैं आयनिक यौगिक या आयनिक यौगिक को ही बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। देखो जब 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 अरातु अरातु शादी करेगा, अरातु अरातु शादी कर लेगा, ले पगलवा लड़की है लड़के शादी कर लिया तो बनेगा सह संयोजक यौगिक बनेगा। लेकिन जब एक लड़का यानी धातु और एक अरातु शादी करेगा ना तो उसे बोलते हैं क्या, आप लोगों को पता है लड़का लड़का शादी करता है तो उसे बोलते हैं गे, और लड़की लड़की शादी करता है उसे बोलते हैं लिस्बन। क्या बोलते हैं? यहाँ लिस्बन बन गया है, ठीक है ना। इसे बोलेंगे तो क्या आयनिक, जैसे बोलेंगे CH4 ये भी अरातु ये भी अराती तो संयोग बंधन, H2O ये भी अरातु संयोग बंधन, NH3 ये भी अरातु संयोग बंधन, CO2 ये भी अरातु संयोग बंधन, C6H12O6 सब अरातु संयोग बंधन। लेकिन बोलेंगे NaCl ये धातु ये अरातु आयनिक या वैद्युत संयोजक बोल दिए क्या, तो बोल दिए KCl बोल दिए हैं, Na2SO4 बोल दिए हैं, Na2CO3 बोल दिए हैं, K2SO4 बोल दिए हैं। ये सभी में देखो आगे क्या है धातु, आगे क्या है धातु, पीछे क्या अरातु, पीछे क्या अरातु, इसलिए ये मेरा क्या है ये आयनिक है। यहाँ बोल रहा हम जानते हैं सस्योजक यौगिक जो होता है ना, सस्योजक यौगिक जो होता है द्रवणांक एवं क्वथनांक कुछ होता है, और सॉरी आयनिक यौगिक जो होता है आयनिक यौगिक उसका द्रवणांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन संयोजक यौगिक का द्रवणांक क्वथनांक निम्न होता है। आयनिक यौगिक जो होता है ना, आयनिक यौगिक जो होता है वो उसका जलीय विलयन वो जल में घुल जाता है, लेकिन संयोजक यौगिक जो है जल में नहीं घुलता, अपवाद में चीनी एवं ग्लूकोज जो है जो जल में भी घुल जाता है। तो आयनिक यौगिक जल में घुलता है लेकिन संयोजक यौगिक जो है जल में नहीं घुलता है बल्कि वो कार्बनिक विलायक में घुलता है। फिर जो आयनिक यौगिक होता है इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन संयोजक यौगिक जो होता है ना इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक नहीं होता है। और आयनिक जो होता है यौगिक आयनिक यौगिक जो होता है इसका रबेदार होता है, लेकिन संयोजक यौगिक जो होता है इसका एक ज्यामितीय आकार का निश्चित आकार पाया जाता है, याद रखेगा। यहाँ बोल रहा है क्या निम्न गलनांक और क्वथनांक संयोजक यौगिक का गुण नहीं है, तो निम्न गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल सही है, निम्न गलनांक और क्वथनांक संयोजक यौगिक का गुण है, उच्च गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल ये नहीं है, बी नंबर नहीं है, बल्कि ये आयनिक का गुण है। इसका होगा बी नंबर। उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक बताया था कि उष्मा विद्युत जल्दी बहवे नहीं करता है, ये दुर्बल है सही बात है। जल में ओबिलय सही बात है, संयोजक यौगिक जो है जल में नहीं घुलता है लेकिन कार्बनिक विलायक में विलय होता है, यानी बी नंबर इससे गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है, समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान यानी स्थान समान तथा परमाणु भार अलग। हम जानते हैं परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, यानी परमाणु संख्या समान हुआ यानी प्रोटॉन की संख्या समान हो गया, और जितना प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, खाली वो दान और ग्रहण नहीं किया है तब, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या लग गया लोग, यहाँ बोल रहा है क्या उनके परमाणु द्रव्यमान समान होता है, बिल्कुल नहीं समान नहीं होता है। तो क्या होता है परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता, परमाणु संख्या समान होता है, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो बिल्कुल सही परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक का, यह भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करता है। बिल्कुल हाइड्रोजन का तीन गुण समस्थानिक है, PDT प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीनों भिन्न भिन्न गुण को दिखाता है, उसी प्रकार यह समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो हाँ भौतिक गुण अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, यानी एक दो तीन तीनों सही है। कहाँ है रे, नहीं दो तीन चार तीनों सही है, कहाँ पर है ऑप्शन बी में है, कहाँ पर है बी में है। कुछ समस्थानिक बोलते हैं जैसे पूछा कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है, बोलेगा कि घेंगा या ग्वाइटर या गलगन रोग के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन-131 का प्रयोग करते हैं, बोलेगा बताओ कि जीवाश्म का आयु पता लगाने में तो कार्बन-14 का प्रयोग करते हैं, बोलेगा बताओ पृथ्वी का आयु या निर्जीव पदार्थ का आयु यानी चट्टान का आयु पता लगाने में तो यूरेनियम-235 का प्रयोग करते हैं, बोलेगा बताओ रक्त परिसंचारण के लिए तो सोडियम-24 का प्रयोग करते हैं, बोलेगा ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर का पता लगाने के लिए तो आर्सेनिक-74 का यूज करते हैं, तो सब याद रखिएगा आप लोग। और चलो आगे बढ़ते हैं, रक्त का थक्का वाला तो फिरोसिस हो जाएगा, लोहा फिरोसिस। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन आप लोग का, बोल रहा है क्या PBO क्या बोल रहा है, देखिए इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आप लोग को इतना चीज सीखने को मिल रहा है ना कि परीक्षा में जाइएगा तो मौज करिएगा, लेकिन आप लोग को हाँ जो हम पढ़ाए थे वो जाकर जरूर देखिएगा तब ना मौज होगा।
जो इम्पोर्टेंट है बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही ले रहा है। बोला PBO तथा HCl जब रिएक्शन किया है तो बनाया है क्या, तो बनाया है PBO और HCl रिएक्शन किया है तो बनाया है क्या, PB गया Cl से दोस्ती कर लिया, पटा लिया तो PbCl2 बन गया। हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो हमेशा जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा। तो बोल रहा है क्या, इसको समीकरण पर ध्यान दें, उस समीकरण के संतुलन हेतु HCl का कितना मोल आवश्यकता पड़ेगा, तो संतुलन करना पड़ेगा। बता दिए संतुलन कैसे होता है, देखिए देखेंगे इधर PB कितना है तो PB एक है, इधर भी PB एक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन कितना एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना एक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्लोरीन कितना है, दो एक है लेकिन यहाँ दो है, दिक्कत हो गया है। यहाँ हाइड्रोजन कितना एक है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ दो है, ले पगल भाई पगल गया, यहाँ पर ये दोनों एक गो है, यहाँ पर दोनों दो है। यदि जाएगा रूस बोलेगा हम लोग दो चाहिए तो ले तेरा दो चाहिए, ले दो दे दिए हैं। अब बोल रहा है HCl का कितना मोल, तो हम जानते हैं जो आगे रहता है उसी को बोलते हैं मोल, यानी दो मोल। या पूछेगा कितना अणु, तो दो अणु। या पूछेगा कितना आयतन, तो दो आयतन। पूछेगा पीबी को कितना, तो एक हो जाएगा, कुछ ना तो आगे एक है ना, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो बस जितना क्वेश्चन था सब सारा करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन अपना मन से दे रहे हैं क्या, तो बोलेगा बताओ, बोलेगा H2SO4 में सल्फर का, किसका सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने बता दिए हैं, उसके सहायता से ऑक्सीकरण अपकरण यानी उपचयन अपचयन पचाने का नियम, ऑक्सीकारक अपकारक पचाने का नियम बता दिए आप लोग, बजाय देखिए प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। तो बोलेगा बताओ, तो हम जानते हैं कि वर्ग नंबर एक जो होता है जिसमें आता ही ली हे ली ना के रब से फरियाद है, मतलब हाइड्रोजन, ली ली मतलब लिथियम, ना मतलब नेट्रियम यानी सोडियम, के मतलब कैलियम यानी पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम और फ्रांसियम। इसका जो होता है ऑक्सीकरण संख्या एक होता है। वर्ग नंबर दो में क्या आता है, तो आता है बेटा मांगे, बेटा नलायक निकल गया है, बाप से मांग रहा है, माता अपने नहीं है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोबे ना करेगा, बोले कैसा नाराज बेटा हो गया, अपने कमाता नहीं, पढ़े लिखे नौकरी लेता है, ठीक है ना, आगे बिजनेस कुछ नहीं कर रहा है, ये खाली कार स्कूटर मांग रहा है। तो बेटा बेलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंशियम, और बाप बेरियम, अरोबे रेडियम। इसका होता है ऑक्सीकरण संख्या दो, कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या दो होता है। फिर वर्ड नंबर 17 में पहुंचो, वर्ड नंबर 17 में क्या है, फलनमा के बरी अतः आफत, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, कितना होता है -1 होता है। इसको जो है ना वर्ग नंबर एक जो है इसको बोलते हैं क्षारीय धातु या एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का होता है -2 होता है, बता चुके हैं, देखिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है एक, लेकिन के गो है, दो गो, हाइड्रोजन का एक होता है ना, लेकिन है दो गो, तो दो लिखे हैं। सल्फर का नहीं पता है तो एक्स दे दो, फिर +2। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 यहाँ पर दिए हैं। कई गो ऑक्सीजन है, चार है तो चार देंगे, और यहाँ पर को मतलब यहाँ प्लस या माइनस ना है ना, जितना प्लस होता है तो उतना प्लस में लिखते हैं यहाँ पर। अगर मान लो यहाँ +2 रहता तो यहाँ +2 लिख देते हैं, अगर यहाँ +3 रहता तो +3 बराबर के बाद लिखते हैं, अगर यहाँ -2 रहता है या -3 रहता तो -2 या -3 रखते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ना है तो लड्डू है तो लड्डू रख दिए। अब सोल्व करेंगे, 2 × 2 एक्स, प्लस माइनस 4 × 2 = 8 = 0। अब एक्स यहाँ पर ध्यान दो, 8 को उधर भेजेंगे +8, 2 को उधर भेजेंगे -2, एक्स बराबर कितना 6, ठीक है ना। चलो सारा चीज़ करवा दिया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, आप लोग का सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा, आप लोग दोस्तों शेयर कीजिए। आप लोग के इतना हंसी कूद में थोड़ा मस्त मगन में इतना चीज़ बता दिए, कुछ कहने का नहीं, आप लोग को लगता होगा कि ये लोग क्या कर रहा है, ठीक है ना, वैल्यू नहीं देते होंगे, लेकिन कभी कुछ देर के बाद वैल्यू आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिए। अच्छा अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तो जरूर जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए, इसी तरह बहुत सारा वीडियो लेके आएंगे, जो आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है ना। और शाम में जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में, तनम सीना में आग लगा के रखना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। चलिए गुड इवनिंग।